उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस के लिए चुनौती बना डबल मर्डर केस का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरों के जेवरात और अवैध तमांच भी बरामद किया। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों आरोपियों ने लूट के इरादे के चलते पारा गांव निवासी भाई बहनों का मर्डर कर घर में मौजूद जेवरात और पैसों की चोरी की थी। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हमीरपुर से ललित की रिपोर्ट। 8 तारीख को पुलिस को थाना व्यवहार की पुलिस को एक सूचना मिली थी कि दो डेड बॉडीज एक पारा गांव में मिली। उस दिन से सारी टीम को एक्टिवेट कर दिया गया था। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आपका टेक्निकल सर्विलांस, सब पर पुलिस लगातार काम कर रही थी। आज फाइनली पुलिस ने उसका सफल अनावरण किया है। इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी, पूरन जो कि पारा गांव का ही रहने वाला है, और खरिया जो तत्कालीन कोतवाली महोबा का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें कि पूरन को गोली लगी है और अभी वो उपचाराधीन है आपके जिला चिकित्सालय में। इन लोगों से पूछताछ में अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि ये 6:45 की रात को इस घर में चोरी के टेंशन से घुसे थे, क्योंकि ये दोनों लोग जो मृतक और मृतिका है ये तो उनको पहचानते थे। तो इन्होंने इसलिए चोरी, जब वो लोग जग गए थे तो चोरी में ये लोग उनको पहचान जाएंगे इस डर से इन्होंने दोनों की गला घोट के हत्या कर कपड़े से गला घोट के हत्या कर दी। और जितना भी चोरी का सामान इनको वहाँ मिला था वो ये लेकर चले गए। इसमें से अभी पुलिस ने हाल फिलहाल इन लोगों से टोटल में 33,000 रुपये और कुछ चांदी का जेवरात जो इन्होंने उसी महिला के घर से उठाया था वो बरामद से आया है। पारा का से जिसके लेफ्ट लेग में गोली लगी हुई है, गिरी है, उसको भर्ती कर दिया है अभी, उसके इलाज चल रहा है अभी। क्या नाम है मरीज का? पूरन। कैसी हालत है सर उसको? अभी मेंटेन है अभी लगभग।